हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र में। दोस्तों, क्या आप मल्टीबैगर शेयर्स की खोज कर रहे हो? क्या आपको पता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा का पूरा मल्टीबैगर है? ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उस शेयर्स के बारे में, उस सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सेक्टर्स में इतनी ताकत है कि साल भर में ये शेयर्स, ये सेक्टर्स आपका पैसा दुगना कर सकता है। तो मैं इस शेयर्स और इस सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि ये सेक्टर्स लॉकडाउन में सबसे कम प्रभावित रहा। जितना लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, ये शेयर्स और इसके जो सेक्टर्स, ये जो शेयर्स है और इस सेक्टर्स है, उसको और ज़्यादा बेनिफिट्स होता गया। तो आई थिंक आपको मेरी बातों से पता चल चुका होगा कि मैं किस सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये मैंने उसके कुछ शेयर्स के नाम लगा दिए। तो ये मेन शेयर्स है, और नाम से आपको पता चल चुका होगा कि मैं आईटी सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ शेयर्स आईटी सेक्टर्स के आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सारे शेयर्स डिस्कस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैंने कुछ मेन शेयर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड L&T इन्फोटेक शेयर करना चाहूँगा। ये सारे शेयर्स एक मल्टी बैगर शेयर है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होती होगी कि हम नॉर्मली मल्टी बैगर शेयर किसी स्मॉल कैप शेयर्स में देखते हैं या फिर कोई मिड कैप में ढूंढते हैं, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक लार्ज कैप शेयर्स भी आपके लिए मल्टी बैगर हैं, क्योंकि इन शेयर्स में अभी इतनी ताकत बची हुई है, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है कि आने वाले सालों में ये शेयर्स आपको और बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनका पी रेशो आप देख सकते हो कि एकदम 35, 30, 19, 22, 23, 39, बहुत ही कम पी है ये। आईटी कंपनीज पर डेप्थ, मतलब कर्जे का बहुत कम इम्पैक्ट रहता है। ऑलरेडी ये कैश रिच कंपनीज है, इसके बावजूद भी इनका पी अभी भी बहुत कम है। अगर आप कोई US बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी से अगर इनका पी कंपेयर करोगे तो ये शेयर्स हमें काफ़ी सस्ते ही नज़र आते हैं। इवन इफ़ TCS और इन्फोसिस का वैल्यूएशन हमें एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, बट अगर हम इन्हीं शेयर्स को अगर US IT कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ये शेयर्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम HCL टेक, विप्रो जैसे शेयर्स की बात करें तो ये अभी भी अट्रैक्टिव कैटेगरीज में हैं, और आप देख सकते हो कि इनका पी तो TCS और इन्फोसिस से भी काफ़ी कम है। ठीक है, L&T हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका पी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट ये फिर मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये शेयर्स मल्टी बैगर है। आप किसी भी साइट्स पर या फिर कोई US बेस्ड कंपनीज के पी रेशो चेक करिए, और TCS या फिर IT सेक्टर्स के हमारे जो स्टॉक है उनके साथ अगर आप पी रेशो कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही कम आते। तो ये शेयर्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल्स नज़र आता है। आपने रिसेंटली कुछ चीज़ें भी मैंने ऑब्जर्व किया कि TCS ने साल भर में 2 बार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी में हाइक दिया। HCL टेक ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस इशू किया इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें इन कंपनीज़ में आजकल हो रही, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले सालों में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और जिस तरीके से इन कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का जो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, उसके अनुसार ये कंपनी अपनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव कर रही है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ऑफिस में जाएगी फिजिकली तो हर चीज़ पर कंपनीज को एक्सपेंडिचर करना होगा, फिर वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ के ऊपर कंपनीज को एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मगर अगर वही एम्प्लॉय घर से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी की बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होती है। और आई थिंक TCS, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, इन्होंने लगभग 2020
2021-22 तक वर्क फ्रॉम होम का जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट कर लिया है, और आने वाले सालों में भी ये कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पर ही वर्क करेगी, कि बहुत ज़्यादा अगर कॉस्ट सेव होती होगी और बेहतरीन तरीके से वर्क मैनेज होता होगा तो डेफिनेटली ये कंपनीज आगे चल के वर्क फ्रॉम होम को ही अडॉप्ट करती रहेगी। ठीक है, तो इनका जो वैल्यूएशन से ओवरऑल वैल्यूएशन से वो काफ़ी कम है। ठीक है, उसकी बात बात रिटर्न्स की बात करते हैं हम। अब साल भर में अगर आप देखें तो TCS के रिटर्न 87% है, एक लार्ज कैप शेयर्स जिसका एक साल के रिटर्न 87% है। इन्फोसिस आप देख सकते हो 150% तक भाग चुका है एक साल में। HCL टेक भी लगभग 132% तक भाग चुका है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक, आप देख सकते हो इन सारे शेयर्स के एक साल के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन हैं, और मुझे एक्सपेक्ट मैं ऐसा करता हूँ कि आने वाले साल दो साल में ये शेयर्स सेम काइंड्स ऑफ द रिटर्न्स हमें ज़रूर देंगे। तो कोई छोटा शेयर्स ढूंढे जो बहुत रिस्की हो, उसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी हो, तो उससे बेटर है कि आप इन IT शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। आपके लिए एक और अदर ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड थ्रू एक सेक्टराइज म्यूचुअल फंड है, SBI टेक्नोलॉजीज है, टाटा डिजिटल है, उन म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो और तो डिपेंड्स करता है कि आपका रिस्क कैलकुलेशंस कितना है। ठीक है, तो एक छोटा या फिर एक मिड कैप शेयर्स ढूंढने से बेहतर है कि आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें जो आपके पैसे को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेगा, एज वेल एज अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर सकेगा। और स्पेशली आने वाले सालों में कोरोना की सिचुएशंस कैसे होगी लगभग एक साल भर में, क्योंकि तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे कंट्रीज़ में पूरा होने में लगभग साल डेढ़ साल लग जाएगा, तो आने वाले साल तक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी बनी रहेगी। तो इन वोलाटिलिटी के चलते बैंकिंग सेक्टर्स या फिर FMCGs या फिर कुछ अदर सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग सेक्टर्स, तो ये सारे सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो कम से कम एक साल में तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। अब मैं हर एक कंपनीज़ के ईयरली रिज़ल्ट आपके साथ तो डिस्कस नहीं कर सकता, मैंने तीन कंपनियों के मैं ईयरली रिज़ल्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, TCS, इन्फोसिस और HCL टेक। ओके, तो उतना टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं TCS से शुरू करता हूँ। तो देख सकते हो ईयरली रिज़ल्ट में, ईयरली रिज़ल्ट क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि कोई मंथ टू मंथ के लिए। ठीक है, तो हम एक लॉन्ग टर्म व्यू से हम इन शेयर की तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ईयरली रिज़ल्ट लगाए। तो आप देख सकते हो कि पिछले चार सालों में इन कंपनीज ने कैसा ग्रोथ किया। आप देख सकते हो TCS का, तो देख सकते हो 2017 मतलब मार्च 2017 का फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ था। ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर 17-18, फिर ये 18-19 और ये फिर 19-20। तो अभी ये 2021 के नंबर्स आने अभी बाकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन चार साल्स में, फाइनेंशियल ईयर्स में, ये कंपनी ने कॉन्स्टेंटली अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, एज वेल एज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि इन्होंने अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली बढ़ाया हुआ है। उसके बाद हम इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली इन्होंने अपना नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू बढ़ाया है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद HCL टेक, आप यहाँ भी देख सकते हो कॉन्स्टेंटली चार सालों से इन्होंने अपना नेट सेल्स बढ़ाया है, एज वेल एज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। तो जो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021 के जो ईयरली नंबर्स आएंगे वो भी बेहतरीन आने वाले हैं इन IT सेक्टर्स के शेयर्स में। इसमें स्मॉल कैप शेयर्स भी है, जैसे कि स्मॉल या फिर मिड कैप, जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर या फिर बिरला सॉफ्ट, ये भी एक बेहतरीन शेयर से, बट इनमें वोलाटिलिटी ज़्यादा बनी हुई रहती है, आप इन शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये आप फिर से एक अपनी तरफ से एक रिसर्च करिए, आप पूरी तरीके से डिटेल्स लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको सच में इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, क्या ये आपके नज़रिए से ये मल्टी बैगर है नहीं है। तो ये टोटली आपके ऊपर, आपकी रिस्क पर डिपेंड्स करता है, बट मेरी नज़रिए से ये शेयर्स एक साल लगभग कम से कम एक साल के लिए तो ये मल्टी बैगर है ही है,
और एक साल में ये 100% मतलब आपका पैसा दुगने करने की ताकत भी रखता है। तो आपको सोचना है, पूरा तरीके से स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद कोई डिसीजंस लेना है। ओके, तो इवन इफ आपका कोई पोर्टफोलियो होगा तो आपको इन शेयर्स को आपके पोर्टफोलियो में जगह देनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा। ओके, सो मैं इतना कहकर अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय।